डिंपल यादव कल मैनपुरी सीट के लिए नामांकन करेंगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव। चुनावी मैदान में डिंपल यादव उतरी हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैनपुरी सीट के लिए कल नामांकन करेंगी डिंपल यादव। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव। चुनावी मैदान में उतरी डिंपल। डिंपल यादव कल मैनपुरी सीट के लिए नामांकन करेंगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को इस सीट पर प्रत्याशी के रूप में उतारा है। डिंपल यादव कल मैनपुरी सीट के लिए नामांकन करेंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, मैनपुरी सीट के लिए कल डिंपल यादव नामांकन करेंगी। जी बिल्कुल मयूरी, ये प्रक्रिया है और हमारे संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप जब भी कोई चुनाव होता है उसके पहले नामांकन होता है, उसके बाद नामांकन पत्र की जांच होती है, उसके बाद नामांकन वापस लेने की एक तारीख होती है, उसके बाद फिर नामांकन को स्पष्ट कर दिया जाता है और प्रत्याशी चुनाव के लिए योग्य घोषित कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से प्रक्रिया है और यहाँ पर एक प्रक्रिया और भी है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर कोई सीट रिक्त होती है तो उस पर उपचुनाव होते हैं और उसी के तहत मैनपुर में उपचुनाव होने जा रहा है लोकसभा का। मुलायम सिंह यादव के निधन होने के बाद सीट रिक्त हुई थी, यहाँ पर मैनपुर चुनाव है और जिसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों समय संघर्ष करती नजर आ रही है, पूरी मेहनत कर रही है चुनाव को जीतने के लिए। समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, मुलायम सिंह यादव के साथ पहले भी तमाम जो चेहरे रहे हैं वो सपा से रहे, अब तक बीजेपी मैनपुरी के दुर्ग को भेद नहीं पाई है और निश्चित रूप से बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि आजमगढ़ जैसा और रामपुर जैसा जो उपचुनाव में लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, हाल में उपचुनाव हुए थे, वहाँ दोनों जगह बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो निश्चित रूप से बीजेपी चाहेगी कि मैनपुरी में वैसे चमत्कार करके दिखाए। फिलहाल डिंपल यादव कल वहाँ पर नामांकन करेंगी और नामांकन के साथ साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के प्रत्याशियों का नाम भी सामने आने की उम्मीद रहेगी कल, क्योंकि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, तीन तीन नाम को दिल्ली की जो है व्यवस्थाओं में भेजा गया था। अब दिल्ली से वो नाम पर मोहर लग के आती है कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, बहुत जल्दी हो सकता है कल ही स्पष्ट हो जाए या आज उसकी स्पष्ट होने की उम्मीद है। मैनपुर चुनाव है मैनपुरी का और नामांकन होगा, उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी के प्रत्याशी के नाम की घोषणा वो नामांकन भी शुरू होगा मैनपुर पर। मयूरी, यहाँ पर यह भी है कि डिंपल यादव चूंकि मुलायम सिंह यादव की बहू है, अखिलेश यादव की पत्नी है, तो ये के लाभ इनको यहाँ भी मिलेगा, सहानुभूति का वोट भी यहाँ पर मिलने की उम्मीद है, महिला उम्मीदवार है इसका भी इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैनपुरी की जो जनता है वो लगातार कई लंबे समय से यहाँ का सपा को जिताते नजर आ रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो कुछ फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है, पर चूंकि हमने बताया आपको कि रामपुर आजमगढ़ में स्थिति ऐसी थी, पर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटें जीती हैं, वो आजमगढ़ जहाँ पर विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने पूरी 10 सीटों को जीता था, यानी बीजेपी का क्वीनशिप किया था, उसके बावजूद सांसद ही का चुनाव में उपचुनाव में वो हार गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संघर्ष बीजेपी के लिए भी है तो संघर्ष यहाँ पर सपा के लिए भी है। गौरव, कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव पर दांव खेल सकती है, तो क्या लगता है किस पर दांव खेल सकती है बीजेपी? देखिए, अभी अपर्णा यादव के नाम की चर्चा हो रही थी, हालांकि कुछ दिन पहले भूपेन चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, उनसे मुलाकात भी हुई थी। इसके अलावा कम जो बैठक हुई उसमें तमाम प्रेमचंद साक्य का नाम भी आया है, एक साक्य समाज से भी नाम आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने वाली बात है कि किसको टिकट देती है। हालांकि कोई भी चुनाव होता है हम देखते हैं बीजेपी उसको हल्के रूप में नहीं लेती है, पूरी मजबूती के साथ पूरे संगठन की रणनीति के साथ लड़ती है, क्या यहाँ भी वो स्थिति रहेगी? चुनाव प्रत्याशी कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। अपर्णा यादव के नाम की चर्चा जरूर चल रही है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी तमाम कयासों को दखला कहीं कोई ना कोई और नाम उतार सकती है। जैसा कि हमने देखा है तमाम कई चुनाव ऐसे रहे हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो तमाम नाम चल रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, पर यहाँ पर सारे कयासों को दखनार करते हुए भूपेन चौधरी को जिम्मेदारी दी, कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम कयासों को दखनार भी करती है और आने वाले समय में किसको प्रत्याशी बनाती है ये फिलहाल अभी तक भविष्य के घर में नहीं है। गौरव, मैनपुरी सीट पर कब्जा करने के लिए दोनों पार्टियों के सामने कितनी बड़ी चुनौती है?
जी बिल्कुल, जो यहाँ पर मयूर चुनौती है क्योंकि सपा को यहाँ पर अपनी जो परंपरा है बात जीतने की वो उसको बरकरार रखना है। बीजेपी अब तक इस दुर्ग को भेद नहीं पाई है, मैनपुरी के दुर्ग को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों की साख दाव पर लगी है। समाजवादी पार्टी साख इसी दाव पर लगी है क्योंकि वहाँ पर लगातार लंबे समय जीती चली आ रही है, तो बीजेपी के लिए अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाई है। तो बीजेपी भी चाहेगी कि वहाँ जीत दर्ज करके रामपुर और आजमगढ़ जैसा इतिहास वहाँ दोहराया जाए, तो समाजवादी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा कि मुलायम सिंह यादव की जो दिवंगत होने का जो सीट खाली हुई है वहाँ पर पुनः एक बेहतर विकल्प देते हुए और डिंपल यादव को जिताया जाए। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।